चैनल, कैसे हैं आप लोग? होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मन करे तो नीचे कुछ कमेंट्स लिख दीजिए। तो आज हम बात करेंगे सन टैन की। सन टैन जो कि बहुत बहुत मेजर इशू हो गया है, क्योंकि समर स्टार्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट सब जगह समर स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें डर लगता है कि हम बाहर जाएं या ना जाएं। क्यों हो जाता है सन टैन? हमें हो जाता है अगर हम बाहर धूप में जाते हैं और हम अपनी स्किन पे सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें टैनिंग हो जाती है, हमारी जो स्किन होती है उस पर रैशेज आ जाते हैं, हमारी स्किन पे क्या होता है, रैशेज आ जाते हैं, यहाँ पे रेड मार्क्स आ जाते हैं, नहीं तो वो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी हम बाहर जाएं अपने नॉर्मल मेकअप, नॉर्मल मॉइस्चराइजर के बाद हमें क्या करना है, अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाना है। जितना एरिया आपका बाहर सन में एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो आपका फेस हो, चाहे वो आपके हैंड्स हो, आपके लेग्स हो, या आपका बैक हो, आपकी नेक हो, कुछ भी हो, ऐसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारी होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, DIY यूज कर सकते हैं। मैं जनरली आपको होम रेमेडी बताती हूँ, तो ये रेमेडी आप हफ्ते में एक से दो बार यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। DIY सन टैन फेस मास्क जो हम बना रहे हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमें कैसे बनाना है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले रखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे लेने हैं। अगर आपके पास कुछ एक आधा इंग्रेडिएंट नहीं है, नहीं मिल पाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट इसमें चार ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्किप नहीं करनी है, अगर आपको अपना सन टैन रिमूव करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है ये ग्राम फ्लावर लिया है, जो कि हमारी स्किन के लिए, फेस टैन को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, रिजल्ट इसका अच्छा आता है। ये है कर्ड, अगर कर्ड आप घर में जमा हुआ यूज़ करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी कर्ड ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है इसमें टर्मरिक, जिसको हल्दी कहते हैं। ये टर्मरिक मैंने मार्केट का पिसा हुआ नहीं लिया है, हल्दी आपको अपने घर में पीसना है। इस तरीके से ये बड़ा सा हल्दी आता है, इसका ये पीस, इस पीस को आपको लेके मिक्सी करना है, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके का पाउडर बनेगा, तो ये पाउडर हमें इसमें यूज़ करना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट आता है, ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको मार्केट में बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी। मैं जो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ वो है इसकी, बंजारा की मुल्तानी मिट्टी फेस पैक फॉर क्लियर स्मूथ स्किन। अगर आपको ये मिलती है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई और मिलती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है डाबर का हनी। हनी आपको यूज़ करना, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजेशन के लिए हनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम फ्लावर हम इसमें डाल रहे हैं, हम इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल रहे हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि फेस को, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई बनाते रहते हैं, तो मॉइस्चराइजेशन के लिए हम इसमें हनी डाल रहे हैं। मैं डाबर का डाल रही हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ उसके बाद ये एलोवेरा जेल है, ये मैंने ग्रीन लीफ का लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी हर रेमेडी में ग्रीन लीफ एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके रखा है विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये कोई इसके अंदर मैंडेटरी इंग्रेडिएंट नहीं है। ये है, इसमें आप सिर्फ इसका एक कैप्सूल लेंगे, एक कैप्सूल इसमें काफ़ी होगा। इसके बाद ये जो है, ये है हमारा आलमंड पाउडर। कुछ बादाम थे, दो बादाम लेके मैंने उनका पाउडर बना लिया है। वो बहुत बहुत इफेक्टिव रिजल्ट लाएगा अगर आपको अपना सन टैन रिमूव करना है, बट अगर आपके पास नहीं है, उस समय अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लास्ट, अगर आपको इसका स्क्रब बनाना हो, ये है आपके लिए फेस पैक। अगर आपको इसका स्क्रब बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा आप राइस फ्लावर ऐड कर लेंगे। खाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा, ज्यादा हम नहीं लेंगे कुछ भी, एक एक स्पून, हाफ स्पून ही हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अभी ग्राम फ्लावर डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे कांच का बोल यूज कर रही हूँ, हो सके तो आप भी कांच का बोल ही यूज कीजिए। इसके बाद मैं ये ले रही हूँ, ये थोड़ा बेटर, तो मैं इसको बाद में ले लूँगी। इसमें हमें पिंच भर सिर्फ इतनी सी हमें क्या चाहिए, टर्मरिक चाहिए, तो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम ये मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मुल्तानी मिट्टी कुछ भी हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम कम ही डालेंगे, क्योंकि हम सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं। जो पहले ड्राई आइटम है वो डाल देती हूँ, बाद में वेट डाल दूंगी, नहीं तो स्पून वेट हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल रही हूँ, ये आप पूरा भी डाल सकते हो, ये ज्यादा नहीं है। ओके, स्क्रब मैं नहीं बना रही हूँ, अगर आपको स्क्रब बनाना है तो आप ये डाल सकते हो। और मैं अभी इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें हनी ऐड करूंगी और इसमें मैं एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। तो एलोवेरा जेल मैं कैसे ऐड करूंगी, इस तरीके से मैं, ये लगभग हाफ स्पून है, तो हम पूरा कपूर इसमें डालेंगे। ये कर्स हमें इसमें थोड़ी ज्यादा ही डालेंगे, एक चम्मच कर्ड हमने इसमें डाला और फिर वन एंड हाफ, आप चाहें तो इसमें थोड़ी ज्यादा कर्ड भी डाल सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाली है, अब मैं इसमें हनी डाल लेती हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट हाफ स्पून हनी इसमें ऐड कर लिया। अब सारी इंग्रीडियंट ऐड कर लिए, विटामिन ई मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे नहीं डालना है ये, तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये जो आप ये हमारी जो कंसिस्टेंसी है, इसको मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका टेक्स्चर, इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैंने थोड़ी ऐसे बनाई है, ये ना ज़्यादा लिक्विड है ना ही ज़्यादा ठीक है कि आपके को फेस पे ये आसानी से लगाया ना जाए। इन केस अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, दो ड्रॉप आप इसमें डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर इसमें डाल सकते हैं। बहुत कम टाइम है तो आप इंस्टेंट DIY कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेना है, मैंने आप इसमें बंजारा का मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आप क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी लेंगे, उसके अंदर आप रोज वाटर डाल देंगे, रोज वाटर की आप उतनी ड्रॉप्स डालिए जितना कि वो बस एक पेस्ट बन जाए। पेस्ट बन जाने के बाद आप उसको इस तरीके से अपने फेस पे लगा सकते हैं और जब वो ड्राई हो जाएगा, और कभी भी किसी भी फेस पैक को कंप्लीट ड्राई हमें फेस पे नहीं करना होता है, जब वो आधा गीला आधा सूखा होता है हमें उसे तभी रिमूव कर देना है, और हमें उसे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्की सी मसाज देते हुए करना है। इनकेस आपका सनटैन यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, या यहाँ कई लोगों को सनटैन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हल्का सा आप सर्कुलर मोशन में रब कर सकते हो, तो इससे क्या। और उसके बाद आप फेस वॉश करके आप टोनर लगाओ, आप सीरम लगाओ, अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाओ और मुझे याद रखो। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है, पहली या दूसरी, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी ये रेमेडी। लाइक करो मेरी वीडियोस को, शेयर करो मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियोस को पूरा देखो। अगर आप आधा देखेंगे तो आपको आधी रेमेडी पता चलेगी, पूरी रेमेडी का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।